एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। और अभी मैं मस्त बैठा हुआ हूँ मोक्तिक के घर पे, और ये वीडियो है हीरो 8 ब्लैक के बारे में। और इसमें वो कैमरा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कैमरा को निकाल लिया है, तो कैमरा रहा ये। और ये हीरो 8 ब्लैक मैंने गोप्रो इंडिया चैलेंज था इंडिया बाइक वीक में, वहाँ पर जीता है फॉर द बेस्ट ट्रैवल फिल्म शॉट ऑन गोप्रो। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। IBW गोवा का ब्लॉग भी अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर सजेस्टेड लिंक आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखना। जब ये डब्बा मेरे हाथ में आया था पहली बार गोवा में IBW के स्टेज पर खड़े हो गए ना, वो एकदम मस्त अलग ही फीलिंग थी। तो एक 10-15 सेकंड की वो क्लिप दिखाता हूँ आप लोगों को कि जब मैंने ये जीता था गोप्रो, उसके बाद फिर इसके फीचर्स पे और बाकी डिटेल्स पे आते हैं। एंड अब मैं हीरो 8 ब्लैक के बारे में बताता हूँ। तो मेरे पास हीरो 6 ब्लैक भी था जो मैंने करीब एक साल यूज किया, फिर हीरो 7 ब्लैक भी था, एंड नाउ आई हैव वन हीरो 8 ब्लैक। तो इनिशियल इंप्रेशंस क्या है, क्या क्या चीजें मेरे को इसके बारे में अच्छी लगी, और कुछ चीजें जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, कुछ फीचर्स जो नए ऐड हुए हैं 7 ब्लैक से 8 ब्लैक में, ऑल दोस थिंग्स आई विल कवर इन दिस वीडियो। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। तो ये फीचर्स इसके जो जो लिखा हुआ है, 12 मेगापिक्सल कैमरा है, 4K 60fps, 1080 240, स्लो मोशन 8x, ये सब कुछ फीचर्स थे ही थे। हाइपर स्मूथ 2.0 ये नया एडिशन है 7 ब्लैक से 8 ब्लैक में। उसके अलावा टाइम वॉर्प 2.0 ये भी एक नया फीचर है। 1080p लाइव स्ट्रीमिंग, उसके अलावा लाइव बर्स्ट है, स्मार्ट फोटो प्लस HDR है, रॉ तो शूट करते ही करता था, बाकी सब चीजें नॉर्मल है। पर अब जब हमारे पास कैमरा है तो ये सब चीजें आपको आराम से कैमरा पर दिखाता हूँ। कैमरे की लुक और फील सेम है जैसे 6 ब्लैक की थी, 7 ब्लैक की थी, पर कुछ चीजें हैं हार्डवेयर में जो चेंज हुई है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पर रखूंगा और इसके बगल में अपना 7 ब्लैक रखूंगा, तो यू कैन सी यहाँ से हाइट ज्यादा है, तो 8 ब्लैक की थोड़ी सी हाइट ज्यादा है, थोड़ा सा कैमरा स्लिम है। उसके अलावा और जो हार्डवेयर में चेंजेस हैं, वो साइड लॉक डोर आ गया है। तो जो डोर नीचे होता था बैटरी का, वो 8 ब्लैक में साइड में है। उसके अलावा एक जो बहुत ही विजिबल चेंज है वो है ये। तो ये 8 ब्लैक में माउंट डायरेक्टली कैमरा में ही इनबिल्ट दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली हेलमेट में, सेल्फी स्टिक पर, कहीं पर भी सीधे माउंट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। इसके अलावा जो एक और चेंज है वो क्या है कि 7 ब्लैक में राइट हैंड साइड पर पावर बटन था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये एक एडवांटेज क्या है, साइड डोर को ओपन करना बहुत ईजी है, यहाँ से आपको बस इसको प्रेस करना है और ये आ गया, और यहाँ से आपकी बैटरी बाहर निकल आएगी, और यहीं पर मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है, और इसी में यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें सिंगल डोर में हो गई हैं, ये एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि नीचे उन्होंने माउंट दे दिया इसलिए इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होगी वो बताता हूँ। अब 7 ब्लैक का जो बैटरी का डोर था वो था नीचे, और जो चार्जिंग का पोर्ट था वो था यहाँ पर। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते थे और थोड़ी बहुत बारिश हो रही हो तो भी मैं इसको आराम से बाइक में लगा के माइक सेटअप करके बहुत आराम से यूज़ करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इतना सा डोर ओपन होता है उसमें भी चार्जर या पोर्ट लगे होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी बहुत बारिश में भी कैमरा आराम से अपना वाटरप्रूफ रहता था। इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये साइड डोर है, ये साइड डोर निकालना पड़ेगा जब मेरे को माइक अडेप्टर लगाना है तो। और ये रखा है मेरा हेलमेट जिसमें मैं इसके माउंट को डायरेक्टली फिक्स कर सकता हूँ। तो ये जो नीचे माउंट दिया हुआ है उससे मैं गोप्रो को डायरेक्टली माउंट कर सकता हूँ। तो ये अपना गोप्रो डायरेक्टली माउंट हो गया है हेलमेट पर विदाउट एनी केसिंग, कुछ भी नहीं चाहिए। पर इसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा एरिया जो है वो एक्सपोज्ड है बारिश को, धूल को, मिट्टी को, सब इन्वाइटेड है, आराम से आओ, आराम से कैमरा में एंटर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक ये जो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, बिकॉज गोप्रो जब से लॉन्च हुए तब से वाटरप्रूफ है, और अब मुझे इसके लिए वाटरप्रूफ केस खरीदना पड़ेगा पहली बार जब मैं 2 साल से गोप्रो यूज कर रहा हूँ, विच फॉर मी इज अ बिग डिसएडवांटेज। तो ये एक चीज है जो पर्सनली मुझे अगेन बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई कि हम इसके साथ में एक वाटरप्रूफ केस को यूज करेंगे। दूसरी चीज, कैमरा डायरेक्ट माउंट है, तो अगर मैं इसको बाइक पर लेके जा रहा हूँ, ऑफ रोड के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मुझे एक डर लगा रहेगा कि यार कहीं भी अगर मेरा हेलमेट गिरा या कहीं पर भी कैमरा गिरा तो इट इज़ डायरेक्टली एक्सपोज्ड, कुछ भी हो सकता है, आराम से क्रैश हो सकता है। भले ही इन्होंने गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन दी हुई है यहाँ पे, पर गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन वाले फ़ोन भी बहुत सारे टूट जाते हैं, स्क्रीन टूट जाती है। ओके, तो ये माउंटिंग सिस्टम जो है ये काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, अगर आप स्टिल शॉट्स ले रहे हो या ब्लॉगिंग कर रहे हो
या कहीं पे नॉर्मल शूट कर रहे हो हेलमेट में या कहीं ऐसा एडवेंचर शूट नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत आराम से इसको माउंट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, वेरी इजी टू यूज। पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये मुझे फिलहाल बहुत फ्रेजाइल लग रहा है, क्योंकि ये बहुत हल्के से उस पर टिका हुआ है, दो गोबरों का है तो इतना फ्रेजाइल नहीं होगा, बट स्टिल ये अगर यहाँ से हम प्रेस करेंगे या इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये बहुत आराम से टूट सकता है। तो ये डिजाइन इनोवेशन जो गोब्रो ने किया है, ये फिलहाल मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि आप जब गोब्रो यूज करते हो तो आप एडवेंचर्स में यूज करते हो, ऑफ रोड में यूज करते हो, और जितना रगेड और रफ हो उतना ज्यादा अच्छा है, पर फिलहाल ये चीज इसको थोड़ा फ्रेजाइल बना रही है, और इसीलिए ये पर्टिकुलर जो माउंट है नीचे का माउंट, ये ऑलरेडी गोब्रो की वेबसाइट पर बिक रहा है। एक लास्ट चीज और है जो फिलहाल मुझे पसंद नहीं आई, मैं सारे नेगेटिव पॉइंट्स पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आप ये लेंस कैप देख रहे हो, इफ यू सी इन माय GoPro 7 ब्लैक, तो अगर आपके लेंस को कुछ भी डैमेज होता है तो ये यहाँ से आराम से ऊपर जाता है और सिर्फ ये लेंस कैप या लेंस कवर बोल लो इसको, ये चेंज हो जाएगा। पर 8 ब्लैक काफी स्लीक है और इसकी बॉडी में ही ये एम्ब्रेड है, तो अगर आपका बाई चांस लेंस स्क्रैच आता है या खराब होता है या टूटता है तो ये फ्रंट बॉडी जो दिख रही है ये पूरी पूरी चेंज होगी। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर यहाँ से वीडियो लेता है एक ट्विस्ट। ऐसा नहीं है कि कैमरा में कुछ भी प्रॉब्लम है। अब बताता हूँ इसके बारे में जो बहुत अच्छी चीजें हैं और जो बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जो डोर साइड में दिया हुआ है इसको ओपन करना बहुत ईजी है, और 7 ब्लैक तक लोगों के बहुत सारे डोर टूटा करते थे, दरवाजे टूटते थे लोगों के, पर यह टूटने के चांसेस कम है क्योंकि ये काफ़ी इजी मैकेनिज्म कर दिया है और इसको लॉक करना भी बहुत इजी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा वाली जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब कैमरा ऑन करके दिखानी पड़ेंगी। तो एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है कि हीरो 8 ब्लैक बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। इसको आप ऑन करोगे जब, तो ये सेटिंग्स आप यहाँ से मस्त आराम से लाके चेंज कर सकते हो। एंड यू गाइज वुड हैव हर्ड कि GoPro हीरो 8 में प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स कैसे हैं वो दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप डायरेक्टली मान लो आपको 4K में शूट करना है और 30 FPS में सिनेमेटिक शॉट्स लेने हैं, तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया 4K 30। अब इसको जाके मैं किसी भी प्रीसेट के नाम से सेव कर सकता हूँ। अगर आपको कस्टम नेम देना है तो आप आराम से जाके ऐप में भी कर सकते हो, पर ये एपिक, इफ यू सी एपिक, तो यहाँ से अब मुझे नेक्स्ट टाइम कभी भी वीडियो मोड चूज करना है तो मैं डायरेक्टली एपिक चूज कर सकता हूँ। ऐसे ही सिमिलरली स्टैंडर्ड और ये सब तो ऑलरेडी बने हुए हैं, सिनेमेटिक 4K 30 मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ था, मैं और कस्टम प्रीसेट्स जाके सेट कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरे को व्लॉगिंग के लिए 1080 60 FPS एंड लेंस वाइड चूज करना है, सुपर व्यू में मैं नॉर्मली बाइक वाले शॉट्स शूट करता हूँ, पर ये मैंने वाइड कर दिया और मैं इसको यहाँ से जाके सेट कर सकता हूँ आउटडोर। अभी फिलहाल मैं इसको आउटडोर के नाम से सेव कर देता हूँ, तो ये हो गया आउटडोर सेव। इफ यू सी आउटडोर यहाँ पर दिखा देगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम मेरे को जब भी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है तो वो सेटिंग्स चेंज करने के लिए मैं पूरी सेटिंग्स चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, मैं आराम से जाके अपना जो स्टैंडर्ड है जो मेरा 1080 60 सुपर व्यू जिसमें मैं नॉर्मली शूट करता हूँ वो चूज करूंगा, तो सुपर व्यू हो जाएगा और मैं बाइक पे शॉट्स ले सकता हूँ सारे। और जब मेरे को व्लॉगिंग करनी है तो मैं यहाँ से जाके आउटडोर चूज कर लूंगा और 60 FPS 1080 पे वाइड एंगल लेंस हो गया एंड मैं आराम से व्लॉगिंग कर सकता हूँ। अब इसमें जो एक और एडवांटेज है विच इज वाइड एंगल में यहाँ पर बूस्ट, तो ये आउटडोर वाइड एंगल है। इसको अगर मैं एडिट पर जाता हूँ तो हाइपर स्मूथ में FUC देर आर 4 ऑप्शंस, जो नॉर्मल है, स्टेबलाइजेशन ऑफ, ये है स्टेबलाइजेशन ऑन जो कि 7 ब्लैक में भी था, दिस इज हाइपर स्मूथ, हाइपर स्मूथ 2.0 FUC यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद आ जाता है बूस्ट। पर एक चीज क्या है कि अगर मैं इस लेंस एंगल को सुपर व्यू कर देता हूं तो हाइपर स्मूथ में बूस्ट का ऑप्शन नहीं है, दैट मींस बूस्ट इज अवेलेबल ओनली ऑन वाइड एंगल। बूस्ट इज एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। हाइपर स्मूथ 2.0 तो है ही है क्योंकि हीरो 7 ब्लैक में हाइपर स्मूथ था, इसमें हाइपर स्मूथ 2.0 है, तो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टेबल है ये कैमरा 8 ब्लैक 7 ब्लैक से। एंड बेस्ट पार्ट इज कि कोई भी फ्रेम रेट्स ड्रॉप नहीं होते हैं, कोई भी क्रॉप फुटेज नहीं होती है, जो आप 1080 60 सुपर व्यू पर शूट कर रहे थे सेम 7 ब्लैक और 8 ब्लैक में एंगल सब कुछ सेम रहेगा, 10% क्रॉप होती है, वो 7 ब्लैक में भी होती है 8 ब्लैक में भी होती है, तो बहुत आराम से आप उस पर शूट कर सकते हो विद एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। तो इफ यू गाइज हैव वॉच्ड माय प्रीवियस ट्रैवल व्लॉग्स तो आप लोगों को पता होगा कि मैं नाइट लैप्स काफी सारे शूट करता हूँ, ऑफलेट मैंने शुरू किया है और हाइपर लैप्स बहुत शूट करता हूँ। तो हाइपर लैप्स में टाइम वॉर्प जो बोलते हैं इसमें हीरो 7 ब्लैक से इंट्रोड्यूस हुआ था और हीरो 8 ब्लैक में टाइम वॉर्प 2.0 है। तो अब ये नॉर्मल वीडियो मोड है जो मैंने लगा के रखा हुआ था, अब मैं यहाँ से इसको एक लेफ्ट स्लाइड करूंगा और ये आ गया टाइम लैप्स। टाइम लैप्स में टाइम वॉर्प, ये है टाइम वॉर्प 2.0,
इसमें एडवांटेज क्या है कि जब आप शूट करते हो, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक हाइपरलैप शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक आइकन दिखाता है विच इज़ रियल टाइम। तो अभी ये नॉर्मल जो प्रोसेस चल रही है एफ यू सी, ये टाइम नहीं बढ़ रहा है बिकॉज 10 सेकेंड्स पर वो एक पिक्चर क्लिक करेगा। अब मैं इसी हाइपरलैप्स को शूट करते करते रियल टाइम कर सकता हूँ, यहाँ से ये रियल टाइम की फुटेज ले लेगा। सी 02 03 04, ये रियल टाइम शूट करने लग गया। इसको मैं वापस ऑफ करूंगा तो वापस ये हाइपरलैप्स मोड में चला जाएगा एंड वही शूट करेगा। तो ये फीचर आपको सिर्फ यहाँ पे देख के समझ में नहीं आएगा, ये फीचर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो नीचे एक चाय की शॉप देख के आया था मैं, वहां चलते हैं। ये फीचर टेस्ट करने के लिए हम लोग ईरानी चाय पीने आए थे और जितनी मस्त ये ईरानी चाय है उतना ही मस्त ये हीरो 8 ब्लैक का फीचर भी है। तो वीडियो हो गया, टाइम वॉर्प हो गया, जो कि मेनली फीचर्स मैं यूज करता हूँ, पर बहुत सारे लोग गोप्रो को एज अ वेरी गुड फोटो कैमरा भी यूज करते हैं। तो फोटोग्राफी के लिए भी इसमें काफी कुछ चेंजेस किए हैं, 7 ब्लैक से कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन किए हैं। तो ये फोटो मोड है, फोटो मोड में भी 3-4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको रॉ क्लिक करनी है तो रॉ सेव कर सकते हो, स्टैंडर्ड ये रहा, उसके अलावा HDR एंड ये रहा सुपर फोटो। तो ये भी सुपर फोटो जो मोड है नया ऐड हुआ है। उसके अलावा जो नया फीचर ऐड हुआ है फोटो में, दैट इज लाइव बस्ट। लाइव बस्ट में क्या होता है, इफ़ यू क्लिक अ फोटो, तो अगर मैं यहाँ पर एक फोटो क्लिक करता हूँ तो ये 3 सेकेंड की एक क्लिप कैप्चर करता है। तो इफ यू सी, इसने 90 फोटोज क्लिक किए हैं एंड ऑलरेडी 46 फोटो जो कि बेस्ट फोटो आई है वो चूज की है। लाइव बस्ट में होता क्या है, जैसे ही आप शटर क्लिक करते हो उसके 1.5 सेकंड्स पहले से लेके 1.5 सेकंड्स बाद तक इट क्लिक्स 90 फोटोज, और उसमें जो आपका मोस्ट एडवेंचरस मोमेंट होता है, आप सबसे अच्छी फोटो जो होती है वो GoPro आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगा। तो ये 3 सेकंड्स की जो क्लिप शूट होती है इसमें 90 फोटोज आ रही है, दैट यू कैन यूज एज अ GIF एज वेल। उसके अलावा नहीं तो एडवेंचरस मोमेंट्स कुछ कैप्चर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मोड है फोटोग्राफी का, जिन लोगों को GoPro से बहुत सारी फोटोग्राफी करनी होती है। तो सब कुछ बता दिया इस कैमरा के बारे में, अब इसका दिखाता हूँ आपको स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ से मैं भागते हुए जा रहा हूँ छत पर। जितना ले रहा होगा कहीं कहीं पर, तो अब यहाँ पर व्लॉगिंग एंगल और ऑडियो क्लैरिटी वो भी पता लग जाएगी अलॉन्ग विद द स्टेबलाइजेशन, क्योंकि मैं पहली बार इससे व्लॉगिंग कर रहा हूँ हीरो 8 ब्लैक से। तो पता लग जाएगा कि आगे के वीडियोस में मैं व्लॉगिंग इससे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। स्वागत है आपका खतरों के खिलाड़ी पार्ट 2 में। तो एक्चुअली यहाँ पर हम चढ़ के आए अपने बिल्डिंग की छत की छत की छत पे। ये रहा हमारा देसी ट्राइपॉड, और क्या खतरनाक ऊंचाई पर बैठे हुए हम लोग, आधा बैंगलोर दिख रहा है यहाँ से। बहुत मेहनत करा ली GoPro के वीडियो ने, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इतनी सारी मेहनत की है तो पसंद आया होगा। आया होगा तो लाइक करना, कमेंट्स बताना कैसा लगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।